हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि यही कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि उन्हें आपके अंदर क्या पसंद है। अब यहाँ उन्हें से मतलब ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर गर्ल्स देख रही हैं, अगर फीमेल देख रही हैं, तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। और अगर मेल देख रहे हैं तो ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, ये आपकी लवर हो सकती हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम पता लगाएंगे इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू, कि आपके जो पर्सन हैं या जिनको भी आप लाइक करते हैं या जिनसे भी आपका कनेक्शन है, वो उनको आप में क्या अच्छा लगता है, उन्हें आप में क्या पसंद है। ये हमारे वीडियो का, आज के वीडियो का टॉपिक है या क्वेश्चन है इस रीडिंग का। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक करें और कॉमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट कोई और ले सके। पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि बार बार वीडियो को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। उससे वीडियो बनाते समय जो रीडिंग का जो लिंक होता है वो टूट जाता है, लिंक जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप या आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपका मून साइन, आपका सन साइन, आपका राइजिंग साइन जो है सेजिटेरियस हो सकता है, जिसको हम धनु राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर सन साइन में आपको बता दूं, सूर्य कुंडली में और मून साइन चंद्र की कुंडली में और असेंडिंग राइजिंग आपके लगन में, अगर आपका धनु हो, आपके मून में, आपके सन में अगर धनु सेजिटेरियस हो, तो ये राशि जो है, ये वीडियो जो है आपसे मैच हो सकती है। और बाय चांस अगर नहीं भी मैच हो, नहीं भी अगर आपसे ये जोडियक साइन मैच करे, तो आप अगर आपसे, मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, तो आपके अंदर आपके पर्सन को, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं है, ये जिससे भी मैच करे, जिस जेंडर से भी, आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर हार्मनी बहुत है, मीन्स बैलेंस, आप चीजों में बैलेंस बना के चलते हैं। आपकी, ये भी कह सकते हैं, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस में है। यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी से ये कि गुस्सा, एटीट्यूड जो है वो भी बैलेंस में है। हर इंसान के अंदर दो एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक इंसान जो है वो बनता है, है ना। तो दोनों में जो है, मेल या फीमेल दोनों में ये जो बैलेंस है ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी जो है हम अच्छे से अपनी लाइफ में चल पाते हैं, हम अच्छे से लाइफ में अपने काम कर पाते हैं या लोगों से डील, सिचुएशन से डील कर पाते हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद है कि आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, आप हार्मनी बना के चलते हैं। कभी आपके पर्सन आपको कुछ कह भी देते हैं तो आप उन बातों को सुन लेते हैं। आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा है, आपके अंदर, आप बहुत सब्र वाले, आप बहुत सहनशील व्यक्ति हैं या व्यक्ति हैं, तो ये चीज आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। और भी कार्ड्स हम निकालेंगे, और कार्ड्स निकाल के हम देखेंगे कि आपके पर्सन में
सॉरी आपके अंदर आपके पर्सन को क्या अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। यहाँ पर 10 of Swords का कार्ड है। 10 of Swords का कार्ड ये बताता है कि आपको लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, बहुत छल किया है, बट यहाँ पर आप जो है उनको माफ करके चलते हैं, आप उनके साथ भी बैलेंस बना के चलते हैं। आपके अंदर एक क्षमाशीलता है, मीन्स आप जल्दी लोगों को माफ कर देते हैं, आपके अंदर बदले की भावना नहीं है। इस कारण आपके जो पर्सन है आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ फाइव ऑफ कप्स कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप किसी का भी एहसान नहीं भूलते। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आप हमेशा उनको याद करते हैं, आप पुरानी चीजों को नहीं भूलते, पुरानी सारी चीजें आपको याद रहती है। और उनके साथ आपके पर्सन ने जो समय आपके साथ बिताया है उन चीजों को आप याद करते हैं, आपको वो एक एक चीज याद है, आप किसी भी चीज को नहीं भूले, आप हर चीज याद रखते हैं। सपोज आप कब मिले थे, आप कब डेट पर गए थे फर्स्ट टाइम, और आप किस डेट पर मिले थे, और आपके पर्सन का बर्थडे कब आता है, ये सब आपको याद रहता है। आप टाइम टू टाइम अपने पर्सन को जो है वो विश करते हैं। सपोज वैलेंटाइन डे आया तो आप तुरंत, आपको हर चीज याद रहती है, आप तुरंत उनको विश कर देते हैं। आपको फ्रेंडशिप डे याद पता रहता है, आप तुरंत अपने पर्सन को विश करते हैं, मीन्स आप कोई भी चीज नहीं भूलते उनको विश करने से, आपको सारी चीजें याद रहती हैं। ये चीज आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। अगर उनका बर्थडे है तो आप 12 बजे से पहले उनको विश कर देंगे, आप मैसेज कर देंगे, तो ये जो चीजें हैं उनको बहुत पसंद है आपके अंदर। जजमेंट, आप निर्णय बहुत अच्छा लेते हैं, आपके जो डिसीजन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेते, बहुत पेशेंटली होकर किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं, एकदम आवेश में आकर किसी चीज पर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते हैं। ये चीजें आपके पर्सन को, आपके जो फ्रेंड हैं या लवर हैं या हस्बैंड हैं या वाइफ है उनको बहुत अच्छी लगती है ये चीज आपके अंदर। और कई बार वो आपसे पूछते हैं कि हमें इस चीज में क्या करना चाहिए, तो ये चीजें जो है आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं आपके अंदर। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बताता है कि आप चीजों को बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपके पास कम पैसा होगा तो आप उसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। मीन्स किसी भी चीज में आप मीन्स दोनों को प्रॉपर टाइम देना, अगर प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो वो टाइमली जाएंगे, घर में अगर कोई फंक्शन है तो उसमें टाइम देंगे, मीन्स आप दोनों प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों को मेंटेन करके चलते हैं, और खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अगर आपको कम पैसा दिया जाए तो उसमें भी आप जो है वो मैनेज कर लेती हैं। तो ये चीजें जो है आपके जो हस्बैंड है या पार्टनर है या लवर है उनको ये चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। किंग ऑफ कप्स, यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, बट यहाँ पर आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं कि सामने किसी भी भावना में बहकर आप कोई भी निर्णय ले ले, आप अपने दिमाग का भी बराबर जो है यूज करती हैं या करते हैं, और आप
जो है अपने पर्सन को बहुत केयर करती हैं, उनका टाइम टू टाइम ख्याल रखती हैं, आप उनको मैसेज करती हैं, आप उनको कॉल करके पूछती हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप उनको इन्फॉर्म करती हैं, उनके बारे में अगर बहुत देर हो जाती है तो आप उनसे कांटेक्ट करके, आप उनसे फ़ोन कॉल करके पूछती हैं या पूछते हैं कि आप कहाँ हो, इतनी देर कैसे हो गई। तो इस तरह से ख्याल रखना, ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि आप अपनी भावनाओं को कहीं कहीं, जहाँ छुपाना होता है वहाँ छुपाते हैं, जहाँ एक्सप्रेस करना होता है वहाँ एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो उन चीज़ों को आप अपने अंदर तक ही रखते हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर को आपके अंदर बहुत ही अच्छी लगती है, जिसके कारण वो आपकी तरफ जो है वो खिंचाव महसूस करते हैं, एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और वो इसी कारण से आपको छोड़ नहीं पाते हैं। आप वो अगर कितना ही सोचे, कोई उनको कितना ही प्रोवोक करे कि आप उनको छोड़ दो या छोड़ मत, उनसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ, लेकिन आप जो हैं, आपकी इन विशेषताओं के कारण आपके जो पर्सन हैं आपको छोड़ नहीं पाते हैं। क्वीन ऑफ बॉन्ड्स, आपको नेचर बहुत पसंद है, आप पेट्स को बहुत पसंद करते हैं या करती हैं, आप जिससे भी प्यार करते हैं मीन्स अनकंडीशनल लव करते हैं, आप नेचर से अनकंडीशनल लव, आप पेट से, आप लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल होकर उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और भी कार्ड्स हम देखेंगे, हैंगमैन, यहाँ पर आप जो हैं जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती तब तक आप उनको होल्ड करके रखते हैं, आप एकदम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं, आप बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं, आप बहुत वाइजली एक्ट करते हैं अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो। द स्टार, द स्टार का कार्ड मीन्स आप बहुत पॉपुलर हैं, अपने बिहेवियर की वजह से आप बहुत पॉपुलर हैं, आप लोगों को हील करते हैं, अगर कोई परेशानी में है आप उनकी मदद करते हैं, कोई दुखी है तो उनको सांत्वना देते हैं, तो आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी है, और आपका इसी कारण से, ये जो इतनी सारी विशेषताएं, इसी कारण से लोग आपको जानते हैं, आपका नेम और फेम है सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपका व्यवहार इस प्रकार का है जो कि आपको पॉपुलर करता है। द शेरियोट का कार्ड, आप बहुत मेहनती हैं, आप अगर एक बार किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, आप जिस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं, और आप अपना किसी भी काम में 100% लगा देते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं, आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, आप अपने घर परिवार को लेकर चलते हैं, आप घर परिवार के लोगों को बांध कर चलते हैं, ये जो आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो ट्रेट्स हैं आपके अंदर, यही आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपको बांध, उनको आपकी तरफ बांधे, आपके साथ बांधे रखते हैं। और भी हम ओशो ज़ेन से कार्ड देखेंगे, थंडरबोल्ट,
मीन्स आप बिल्कुल निडर होकर काम करते हैं, आपके अंदर किसी भी चीज का फियर नहीं रहता। आप अगर कोई स्थिति ऐसी खड़ी हो जाए जहाँ पर आपको डटकर सामना करना पड़े, तो आप पूर्ण साहस और निडर होकर उस चीज का, उस स्थिति का सामना करते हैं। तो ये भी चीजें उनको बहुत पसंद है आपके अंदर। फ्रेंडलीनेस, अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के अंदर फ्रेंडलीनेस है। मीन्स किसी भी चीज का, किसी भी रिलेशनशिप का जो आधार होता है वो दोस्ती होती है। जब हम किसी से दिल से कनेक्ट होते हैं, जो दोस्ती का संबंध होता है, कहा जाता है कि सबसे अच्छा संबंध होता है। तो आप दोनों के अंदर दोस्ती बहुत अच्छी है, आप दोनों में फ्रेंडशिप है, जिसके कारण आप उनके साथ ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। एज ए पार्टनर नहीं, एज ए लवर नहीं, आप उनके साथ फ्रेंडली जो व्यवहार होता है ना, उस तरह का व्यवहार दिखाते हैं, जिसके कारण आप उनके मन पर राज करती हैं या करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जिसके कारण ये जो रिलेशनशिप है, एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, एक सोल कनेक्शन आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है। दो तीन कार्ड और निकालेंगे हम, देखेंगे कि और क्या चीजें हैं जिसके कारण आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मास्टर, यहाँ मास्टर से मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस पर, आप अपने बिहेवियर पर आपका पूरा कंट्रोल है। मींस आप आवेश में, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी क्रिएट होती है तो उसमें भी आप बहुत, उसको भी बहुत लाइटली, बहुत पेशेंटली उस चीजों को हैंडल करते हैं। ये चीजें आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं आपके अंदर। सिज़ोफ्रेनिया, आपके अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं है कि आप बीच में अटके हैं, आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। आप बिल्कुल, अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप उसमें अटके हुए नहीं रहते, आपको पता है कि मुझे कैसे यहाँ जाना है और कैसे बाहर निकलना है। आप कंफ्यूज की स्थिति में नहीं रहते हैं, आपके अंदर नाम मात्र भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि ये करना है तो आप बिल्कुल नहीं सोचती हैं या सोचते हैं, आप तुरंत कर देते हैं बिना सोचे समझे। और भी हम कार्ड देखेंगे। पेशेंस, देखिए मैंने अभी आपको कहा था पेशेंस बहुत अच्छा है आपके अंदर, तो ये पेशेंस जो है आपके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा है, जिसके कारण ये पर्सन जो है आपको बहुत ही सबर वाला इंसान समझते हैं, और उनको ये लगता है कि ये जो पर्सन है कितना इसके अंदर सबर है, हर चीज को बर्दाश्त करती हैं या करते हैं, और हर चीज को कितने अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, अगर गुस्से की स्थिति क्रिएट हो जाए तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, लड़ाई की स्थिति क्रिएट हो जाए तो आपको बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा नहीं होगी। तो ये चीजें जो है आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचती हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम।